Hello guys, welcome back to my channel Gravity-Tech. This is the next video on a C programming series. In today's video, we will continue from the point where we left in the previous session. So if you haven't watched the earlier videos, I recommend you to go through those so that you know what has been already covered until now. Now, so what is the agenda of today's session, right? We have already covered the C conditionals, if else, nested if else, if ladder, right, in previous videos. In this video, we will cover the common errors which you may encounter while working on the conditionals. ऐसी कौन सी common errors है जो आप if else वाले conditional statements लिखते वक्त कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो errors की है. Let's go to the IDE and look at some examples. Okay, now if you look at this, right, the first common error which you could make is while testing the value with the range. अगर आपको let's say कि अगर आपको स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स वैलिड है या नहीं ये चेक करना है तो आप कैसे करोगे? हमें पता है कि परसेंटेज मार्क्स हमेशा 0 और 100 के बीच में होते हैं, राइट? तो हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो चेक करेगा कि मार्क्स 0 या 100 के बीच में है या नहीं, करेक्ट? सो जनरली हम मैथमेटिक्स में रेंज कैसे लिखते हैं? सिंपली हम लिख देते हैं कि भाई मार्क्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए. अभी देखिए ये इनकरेक्ट कैसे है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाई, और ये करेक्ट है. अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको करेक्ट वाला जो है उसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट. यहाँ पे अभी क्या होगा, हमने मार्क्स रखे हैं 45.5, दैट इज वो वैलिड रेंज के अंदर है. तो अभी ये क्या प्रिंट होना चाहिए, मार्क्स आर वैलिड. ओके, तो अगर मैंने इसको अभी रन किया, यस मार्क्स आर वैलिड, करेक्ट. लेकिन अगर मैंने इसको 145.5 कर दिया, अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, मार्क्स आर इनवैलिड, नॉट वैलिड, राइट? लेकिन देखिए अभी भी क्या प्रिंट हो रहा है, मार्क्स आर वैलिड. तो आपका प्रोग्राम रन होगा लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कुछ लॉजिकल एरर की है, राइट? और फिर आप उस एरर को ढूंढते रह जाओगे कि क्या एरर, व्हाट इज द एरर यू हैव मेड. सो the correct way to write a program is what? You should basically divide this into two separate statements, marks greater than equal to 0 and marks less than equal to 100, और उसको and में डाल दो, right? वो 0 और 100 के बीच में होना चाहिए. तभी अगर आप भी 145 यहाँ पे रखते हो, right, और अगर प्रिंट करते हो तो ये बोलता है marks are not valid, see. और अगर आपने यहाँ पे सिंपली 45 दे दिया जो within range है तो आपको आंसर आ जाएगा marks are valid. So be aware of this error. ये है what is the incorrect and what is the correct statement. Okay, so this is the first common error you could have it. Now what is the next common error you can have? अब let's say कि आप multiple logical operations को deal कर रहे हो, आपके पास आपको दो मैसेज है, आपको प्रिंट करना है कि आपका चॉइस करेक्ट है या फिर आपका चॉइस करेक्ट नहीं है. और करेक्ट चॉइसेस क्या है, अगर यम और यल ये करेक्ट चॉइसेस है, अगर आप यम और यल में से कोई भी वैल्यू चॉइस का रखते हैं तो इट शुड बेसिकली प्रिंट योर चॉइसेस करेक्ट. और अगर यम और यल छोड़ के अगर कोई वैल्यू आता है तो इट शुड बेसिकली सिंपली प्रिंट योर चॉइसेस नॉट करेक्ट. अभी देखिए ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है. अभी इनकरेक्ट में क्या हुआ है, इनकरेक्ट में हमने सिंपली मैथमेटिकल टर्म्स में लिखने का ट्राई किया है कि नहीं, चॉइस इज इक्वल टू यम और यल. तो अभी हम क्या करते हैं, इसको लेट्स ट्राई टू रन इट विद द वैलिड वैल्यूज. सी अभी हमने चॉइस का वैल्यू यम रखा है तो ये इसने प्रिंट किया योर चॉइसेस करेक्ट, दैट्स फाइन. अभी इसको हम एल कर देते हैं, इसको रन करते हैं, ये फिर से बोलेगा योर चॉइसेस करेक्ट. यहाँ पे भी अपना प्रोग्राम बराबर रन हो रहा है. अब इसको पी रखते हैं. अभी पी मतलब क्या, चॉइस ना यम है ना यल है, पी है, इसका मतलब ये वाला रन नहीं होना चाहिए. रन क्या होना चाहिए, ये मतलब प्रिंट क्या होना चाहिए अपने हिसाब से, योर चॉइस इज नॉट करेक्ट. अभी प्रोग्राम क्या करता है वो देखते हैं, प्रोग्राम में योर चॉइस इज करेक्ट बोला है. अभी क्या होगा, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ये इनकरेक्ट है, राइट? अभी करेक्ट क्या है, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, यू शुड बेसिकली हैव दिस इन अ सेपरेट टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स. सी तो आपको क्या रखना चाहिए यहाँ पे, इफ चॉइस इज इक्वल टू यम और लॉजिकल और चॉइस इज इक्वल टू यल, अगर दोनों में से एक भी चॉइस है यम या यल तभी आप क्या करो, चॉइसेस करेक्ट, अदरवाइज चॉइसेस नॉट करेक्ट. अभी चॉइस का वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी. तो जनरली ये चेक करेगा ट्रू है नहीं, ये चेक करेगा ट्रू है नहीं, तो दोनों ट्रू नहीं है मतलब ये कंप्लीट ट्रू नहीं है, तो अभी ये प्रिंट करेगा योर चॉइस इज नॉट करेक्ट। लेट्स ट्राई टू रन इट। राइट नाउ व्हाट एग्जैक्टली द एरर इज, राइट या मिस्टेक ये हुआ है कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया है जो स्ट्रिंग नहीं है, एक सिंगल कैरेक्टर है, करेक्ट या। सो अगर हम इसको रन करेंगे, देखो योर चॉइस इज नॉट करेक्ट, गॉट इट। अभी अगर हम कुछ वैलिड वैल्यू लेते हैं, लेट्स से यम, इट विल सिंपली प्रिंट दैट वे योर चॉइस इज करेक्ट। सी अगर हमने और एल ले लिया तो एम और एल में से दोनों के लिए वो वैल्यू सेम प्रिंट करेगा, करेक्ट। सो इवन इफ यू थिंक योर प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम परफेक्टली करेक्ट वर्क हो रहा है, कोई भी लॉजिक कोई भी एरर्स नहीं है, लेकिन उसमें लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं, वो जो और वो लॉजिकल एरर्स आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम स्पॉइल कर सकता है, मिसलीड कर सकता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ऑल राइट। सो दीज आर द टू कॉमन एरर्स व्हिच यू कुड हैव इट। व्हाट इज द नेक्स्ट एरर यू कैन बेसिकली डील विद? नेक्स्ट एरर इज अ डैंगलिंग एल्स। डैंगलिंग का मतलब क्या कि हमको पता नहीं है कि डैंगलिंग थ्रेड, लेट्स से डैंगलिंग थ्रेड, डैंगलिंग मतलब हमको ये पता नहीं कि वो चीज है कहाँ पे, वो कहीं पे तो है लेकिन वो कहाँ पे है, राइट। डैंगलिंग एल्स का मतलब क्या है कि हमको एल्स चाहिए था किसी और जगह पे, हमको एल्स चाहिए था किसी और जगह पे, लेकिन वो मैप हो गया किसी और जगह पे। सो डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम रिजल्ट्स व्हेन अ प्रोग्रामर बिलीव्स और फॉरगेट्स द कोड इंडेंटेशन और लूजेस द ट्रैक ऑफ if statement that goes with the else statement. So, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो let me try to tell in the Hindi. हम जब else statement लिखते हैं, तो किसी और intention से लिखते हैं। यहाँ पे मेरा intention क्या है कि ये जो if है इसको ये else statement होना चाहिए, लेकिन वो else इफ इसको दिस इफ को मैच नहीं करता है, दिस एल्स इज बेसिकली इज मैचिंग विद दिस इफ, क्योंकि जब तक हम कोई अगर करली ब्रेसेस वगैरह इफ एल्स में डालते नहीं है, तब तक जो लास्ट एल्स जो होता है हमेशा उसके लास्ट इफ से ही मैच होता है, रिमेंबर। सो ये जो कोड है हम यहाँ पे लेट्स से ये इस एग्जांपल में हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ट्राइंग टू चेक कि जो एक्स वाई पेयर है, XY जो पेयर है, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कब होता है? जब X और Y दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, करेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में X इज ग्रेटर देन 0, Y इज ग्रेटर देन 0, सेकंड क्वाड्रेंट में X इज लेस देन 0, Y इज ग्रेटर देन 0, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में X पॉजिटिव होता है, Y निगेटिव होता है। तो X और Y अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है तभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, करेक्ट। अगर वो नहीं है तो क्या, नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी हम वैल्यू लेके देखते हैं, लेट्स टेक अ वैल्यू x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। इसका मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, करेक्ट, ऑब्वियस। सो लेट्स से ये हमने रन किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट। लेकिन अगर हम ये अपने x का वैल्यू -10 लिया, सो x अगर माइनस है और y अगर प्लस है तो अपने हिसाब से क्या है कि ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, करेक्ट। अगर ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसने क्या प्रिंट करना चाहिए, नॉट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अभी देखिए क्या करता है, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्यों? बिकॉज दिस प्रोग्राम इज सिंपली व्हाट इट इज लाइक दिस। ये जो प्रोग्राम है अगर आपको बताया जाए तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से है, ये जो एल्स है इस इफ का है, इस इफ का नहीं है। अगर आपको इस इफ के लिए उस एल्स को रखना है तो आपको इसे प्रॉपरली इंडेंटेशन या फिर प्रॉपरली करली ब्रेसेस में डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको उस तरह से मैसेज नहीं दे पाएगा, करेक्ट। सो इट इज प्रीटी सिंपल, करेक्ट, इट्स वेरी सिंपल, दिस इज हाउ इट इज। अगर आपको चेक करना है कि दिया हुआ पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, आप सिंपली ऐसे भी प्रोग्राम लिख सकते हो, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट, then it's a first quadrant. ये हो गया first quadrant. Else if इसी को copy कर लेते हैं और इसी को modify कर देंगे यहाँ पे. This is less than zero, negative है x और y positive है, तो ये आ गया second quadrant. Correct. ये हो गया second. Correct. अभी इसी को कॉपी करते हैं और इसी को मॉडिफाई करेंगे, तो अगर x निगेटिव है और y भी अगर निगेटिव है, सो इट इज व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट, राइट. और else अगर दोनों निगेटिव है, नॉट दोनों निगेटिव, या x पॉजिटिव है और y क्या है निगेटिव है, else में क्या है, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट. So this is how maybe you should write a program. Okay. और ये हो गया फिर. This is what the code is. अगर आपको simple program लिखना है तो. अगर आप x का value negative लिया, y का value positive लिया, तो it should basically just print second quadrant. X और y दोनों negative लिए, तो ये third quadrant. X positive लिया, y negative लिया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट. एंड देन एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट. इट्स सो सिंपल. सो दिस इज हाउ इट इज. सो दीज आर द कॉमन एरर्स यू कैन मेक. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कॉमन एरर यू कैन मेक? एक अगर सो नेक्स्ट कॉमन एरर यू कुड मेक इज लाइक राइटिंग अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट के लास्ट में अगर आपने सेमीकोलन डाल दिया तो व्हाट डज दैट मीन, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस इफ को बिलोंग नहीं करता है. इर्रेस्पेक्टिव कि ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, ये वाला प्रिंट होगा ही. अभी अगर ये वाला जो दिस प्रोग्राम बेसिकली चेक्स वेदर एक्स इज व्हाट इवन नंबर है या ऑड है. अभी देखो एक्स क्या है 25, ऑड नंबर है, लेकिन ये इवन इफ दिस इज ट्रू, लेकिन सेमीकोलन की वजह से इफ यही पे एंड हो गया, तो इसका और इसका इफ का कोई संबंध नहीं है. सो इट विल बेसिकली प्रिंट ये इवन है, सो विच इज रॉन्ग. वी शुड बेसिकली जस्ट कीप इट लाइक दिस, राइट. You should remove that semicolon and that will just give you the correct result. So these are the common errors, right, which maybe you could have it. Now what are the programming styles? So you should basically follow these programming styles. Agar ek single statement hai, you don't need a curly braces. If there are multi-line statements after if, you should have those in the curly braces. There is if else. Always try to put that in the curly braces, that so that it is recognized well and you have the indentation, and else are mapped to the correct if. Okay, and multiple alternatives you can use, basically do it using else if, but always try to use it the block curly braces, right. Now this is what actually I had it from this video. In the next video we will cover about the switch, its examples and all. And until that point, I would say thank you for watching this video. Please do not forget to like, subscribe and share. I wish you happy learning with the Gravity-Tech. Thank you.